लेकिन अब जाऊंगी और उन्हें सरप्राइज दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगी, बड़ा मजा आएगा शाम को। क्या सभी कर देगी प्लान फेल ईशान के सरप्राइज बर्थडे पार्टी का? ईशान आ गए हैं टेंशन में। स्टार प्लस के पॉपुलर शो घूम है किसी के प्यार में, जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि ईशान ने एक स्पेशल बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है, जहां वो सभी का स्पेशल बर्थडे सरप्राइज देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ईशान ने ईशा को भी कॉल करके इनवाइट किया है और उसे ये बात सीक्रेट ही रखने को कहा है। इतना ही नहीं, बर्थडे के दिन सभी ईशा मैम को कॉल करती है तो ईशा फोन कट कर देती है, और इतना ही नहीं सभी के घर वाले भी उसका फोन नहीं उठाते हैं। सभी कॉलेज आती है और कॉलेज आते ही जहाँ वो शुक्ला जी का पैर पड़ती है और उनसे आशीर्वाद लेती है, वही शुक्ला जी रिवील ही करने वाले थे सरप्राइज, लेकिन वो रुक जाते हैं और ये देख लेते हैं ईशान, और ईशान आ जाते हैं टेंशन में, जहाँ सभी कहती है कि वो आज अपने ताई से मिलेगी और सरप्राइज देगी। और ये बात सुनते ही ईशान को लगता है कि आज उसका प्लान फेल हो जाएगा। अब देखना ये है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। आज ने फोन कट कर दिया, फोन क्यों नहीं उठा रही है ईशा मैम? फोन कट कर दिया ईशा मैम ने भी? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? आशीर्वाद ले रही हूँ, आशीर्वाद दो। चौहान, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आज ये पैर छू रही हो, जन्मदिन है क्या? अच्छा मुझे आप ये बात बताओ कि जो स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग होती है कितनी देर में खत्म होती है? वही करीब एक डेढ़ घंटा। तो फिर मैं ताई के पास जाऊँ, मुझे लगा लेट होगा तो मैंने ताई को मना कर दिया था, लेकिन अब जाऊंगी और उन्हें सरप्राइज दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगी, बड़ा मजा आएगा शाम को।